तो मैं क्या कह रहा था, सबको पता है व्हाट इज अ टैब ऑर्डर, किसको नहीं पता है कि टैब ऑर्डर क्या होता है? हाँ, टैब ऑर्डर क्या करता है, चलो दूसरी वाली डेटा विंडो का देखते हैं, इसको वापस जाते हैं। वापस कैसे जाएंगे, या तो यहां से बंद कर सकते हैं, जैसे ये वाली डेटा विंडो है ना, इसका टैब ऑर्डर देखते हैं। देख रहे हो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं टैब की प्रेस करूंगा तो मेरा कर्सर यहाँ ईमेल आईडी में होगा, जब मैं फिर से करूंगा तो वो इस पे मतलब अगर मैं केवल टैब की को प्रेस करूं तो वो ऐसे करके इस सीक्वेंस में जाता है। अगर आप इसको चेंज भी कर दोगे ना, 2 कर दिया, उसको 3 कर दिया, तब भी ये 10, 20, 30 है। लेकिन अगर आपको चेंज ही करना है तो इसको आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको फिर भी ये 10 के ऑर्डर में आ जाता है, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये टैब की जब हम प्रेस करते हैं तो वो टैब के अकॉर्डिंग जाता है। अगर आपने किसी का 0 कर दिया तो यू कैन नॉट टाइप एनीथिंग इन दैट कॉलम, राइट। यू कैन नॉट टाइप एनीथिंग इन दैट कॉलम। हम एक जैसे हमने क्या किया, देखो ये लॉजिक होता है, आप चाहे जैसे उसको रखना चाहो, है ना। जैसे अभी हमने क्या किया है, इफ यू रिमेम्बर, जब हम सेव कर रहे हैं तो हम चेक करते हैं रो का स्टेटस क्या है ना, रो का स्टेटस क्या है। अगर हम बिना इसके हम कुछ ऐसा भी लिख सकते थे कि जब नीचे से रिट्रीव होकर के आता है ऊपर, राइट, तो ये क्या हो जाए, जब नीचे से डबल क्लिक करके ऊपर लेकर के आते हैं उस रिकॉर्ड को, तो ये क्या हो जाए, दिस रिकॉर्ड शुड, मतलब ईमेल आईडी वाला जो टैब ऑर्डर है वो 0 हो जाए, सो दैट उसमें कुछ टाइप ही ना कर पाए। या हम ये भी कर सकते थे कि मतलब देर आर मैनी वेज, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक काम को अचीव करने के देर आर मैनी वेज, ओके, परफेक्ट। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे ऐसा करके हम लोग डेटा, अच्छा हम बात कर रहे थे रिट्रीव की अब, हाँ। तो आपने देखा कि जो रिट्रीव फंक्शन है, रिट्रीव फंक्शन के अंदर हमने ईमेल आईडी पास किया है, तो ये कैसे इसके साथ कनेक्ट कर रहा है, तो चल करके देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, रिट्रीवल आर्ग्यूमेंट होते हैं, क्या होते हैं, रिट्रीवल आर्ग्यूमेंट। तो रिट्रीवल आर्ग्यूमेंट कैसे देखते हैं, डिजाइन में जाओ, हाँ होता है, डेटा सोर्स पे जाओ पहले, तो है ना, ये क्या है आपका, एक होता है ग्राफ डेटा सोर्स, एक होता है ग्राफिक मोड में, दिस इज कॉल्ड ग्राफिक मोड, और एक होता है सिंटैक्स मोड, कन्वर्ट टू सिंटैक्स, अगर आपको एक्चुअल क्वेरी देखनी है। 1 सेकंड, बोलो, ठीक है, बस 10 मिनट्स। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो रिट्रीवल आर्ग्यूमेंट, राइट, तो ये हमने क्या किया है, डिजाइन में जाके यहाँ पे रिट्रीवल आर्ग्यूमेंट में डिफाइन किया था, स्ट्रिंग टाइप की एक वैल्यू आएगी। तो वो क्या करता है कि वो क्या करता है कि जब आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हो उस ईमेल आईडी को उससे मैप कर देता है, और वो मैप कैसे करता है, पोजिशनल, पोजिशनल, है ना, क्योंकि इसके बीच में उसमें कोई और लिंकिंग नहीं है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो ये कैसे करता है, पोजिशनल, यानी कि पहला पहले वाले से, अगर मान लो 2 रिट्रीवल आर्ग्यूमेंट होते तो, 3 होते तो, 4 होते तो ये पहला वाला पहले वाले में जाएगा, दूसरा वाला दूसरे में जाएगा, तीसरा वाला तीसरे में जाएगा। मतलब जैसे ये कोमा करके हम और भी रिट्रीवल आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, राइट।
तो इस रिट्रीवल आर्ग्यूमेंट पे भी क्वेश्चंस बनते हैं कि मान लो आपने रिट्रीवल आर्ग्यूमेंट इस वाली विंडो में ले रखे हैं दो और आप पास कर रहे हो एक, तो क्या होगा? दो इधर ले रखे हैं, दो इधर ले रखे हैं, तो ठीक है डेट, मतलब तो क्या होगा? इधर दो ले रखे हैं, इधर से तीन पास कर दिए, तो क्या होगा? है ना, ये आंसर आपको ढूंढ के लाना है। आज अभी मेरे को यहीं पे क्लास खत्म करनी पड़ेगी। विल यू नो कंटिन्यू टुमारो। तो आज के लिए इतना ही है, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना, अगर जितने भी फंक्शंस आज तक यूज हुए हैं, ओपन फंक्शन है, मैसेज बॉक्स है, एक्सेप्ट टेक्स्ट है, रिट्रीव है, डिलीट रो है, इंसर्ट रो है, राइट, इसके साथ साथ आप लोगों को डेटा विंडो कंट्रोल के जो चार पांच इवेंट्स मैंने आपको बताए थे, आइटम चेंज्ड, आइटम एरर, डबल क्लिक क्लिक, है ना, ये आपको पार्ट टू की बुक में मिल जाएंगे या पार्ट वन का लास्ट चैप्टर मिल जाएगा उसको। और बफर्स भी हैं वहां पे, हाँ बफर्स अच्छे से पढ़ो, बफर्स आपको मुझे लग रहा है अच्छे से समझ में आ गए हैं, रो के स्टेटस भी आ गए हैं। अभी ये जो इवेंट्स है ना उसको समझने की कोशिश करो और मेरे से क्वेश्चन पुट अप करो कि मैंने ये वाला इवेंट पढ़ा था, मेरे को समझ में नहीं आया, है ना, इस तरह से करके आप क्वेरीज को लेकर के आया करो मेरे पास। ठीक है, हम आगे वैसे भी बढ़ेंगे, बट आप ऐसे करके करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है गाइस, रात दिन एक कर दो, मैं बता रहा हूँ, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी के जितनी जल्दी हो सके। चलो, थैंक यू, बाय।